जय माता दी और नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। 92.7 बिग एफएम से मेरा नाम है अजय, आपको इस नवरात्र फिर से दर्शन कराने ले चलता हूं माई के। आज महामाई चामुंडा के दर्शन करने के लिए हम आए हैं यहां पर। कहते हैं अरावली पर्वतों के बीच में ये खूबसूरत जो शहर अजमेर बसा है, जब पृथ्वीराज चौहान थे तो उनकी ये आराध्य देवी थी। ऐसी किंवदंती है कि युद्ध पर जाने से पहले वो माँ चामुंडा का आशीर्वाद लेने के लिए आते थे। चलिए तो आज मेरे साथ माँ चामुंडा के दर्शन कीजिए। जय माता दी। चामुंडा माई के दर्शन करने के लिए आ गए और तारा रावत जी को हमने यहाँ पर बातचीत करने के लिए बुलाया है और आज मंदिर में बहुत अच्छी खासी भीड़ है। तारा जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने जो बचपन से इस मंदिर का इतिहास सुना, इस मंदिर के बारे में सुना चामुंडा माता का, वो क्या है? बचपन से नहीं, मैं पीढ़ियों से यही रहता हूँ। हमारे बाप दादा यही पे रहते हैं, बोराज गाँव, जो हमारे दादा था गोविंदनाथ गहलोत, पृथ्वीराज चौहान के सुरमा थे। अच्छा। और पृथ्वीराज चौहान की कुल देवी तो आशा माता है और आराध्य देवी चामुंडा माता है। यही से पूजा करके वो शत्रुओं का विनाश करने के लिए युद्ध के अंदर जाया करते थे। यहाँ से 150-200 मीटर दूर आगे यहाँ से रास्ता जाता है, वो तारागढ़ की दूर जाता है। तारागढ़ के पिछोड़ में अपन खड़े हैं। तो हमारे जो दादाजी थे वो यहाँ के सुरमा थे, इनकी फौज में थे। उस टाइम से हम भी पूजा करते आ रहे हैं। हमारे पूरे गांव जो कि बोराज गांव के नाम से मशहूर है जी। और तो ये इस मूर्ति की भी कोई कहानी है कि ये मूर्ति इतने ऊंचे पर्वत पर कैसे आई या कुछ? कभी ये मूर्ति सम्राट पृथ्वीराज चौहान के टाइम से ही यहाँ की स्थापना हुई है। 1193 ईस्वी के तहत स्थापना हुई है और इनके साथ साथ गंगा मैया का भी यहाँ पे आगमन है। जो एक कुंड है जो 1.5 या 2 फीट गहरा है, सिर्फ 1 फीट ही तो खाली रहता है। 1.5-2 फीट पानी कभी हमेशा कभी खत्म नहीं होता है। ये उसी टाइम से पृथ्वीराज चौहान से गंगा मई भी साथ साथ आई हुई है। और जो पृथ्वीराज का सूरमा था चामुंडराय गहलोत और गोविंदराज दत्ता, ये दोनों मिलके ही यहाँ के लेकर आए थे, उस टाइम से ये स्थापित हुई है। जय भैरव बाबा की। और जैसे ही हम चामुंडा माई के दर्शन करने के बाद उतरते हैं इस पर्वत श्रृंखला से, तो फिर हर कहानी में होता है ना कि माई के दर्शन करने के बाद आपको भैरव जी के दर्शन करने पड़ते हैं, तो यहाँ दर्शन करके फिर भक्त लोग आगे प्रस्थान करते हैं।